नमस्कार, मैं मिथुन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका पैटर्न बिल्कुल एसएससी जैसा है। और यहाँ पे जिस तरीके से आपका सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम होता है, सीपीओ का एग्जाम होता है, सेम आपका एग्जाम पैटर्न वैसा है। सिंगल एक स्टेज का आपका एग्जाम होगा और यहाँ पे ये जो पोस्ट है ये ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और यहाँ पे आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। देखिए, आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल इनके चक्कर में क्या है कि आप उन वैकेंसीज को छोड़ देते हैं जिनमें आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी का जिस तरीके से पैटर्न है आपका, उस पैटर्न की जो भी वैकेंसी निकलती हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी वैकेंसी में आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप सिलेक्शन इजीली ले सकते हैं। और अगर आप सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इजीली सिलेक्शन ले पाएंगे। तो डिटेल में सारी चीज़ों पे यहाँ पे हम बात करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी है। ऐसी जो वैकेंसी निकलती है इनके बारे में स्टूडेंट को बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। आपका पहला जो उद्देश्य होना चाहिए वो गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। पहले आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लो, उसके बाद जो आपका टारगेट है, जैसे सीएचएसएल सीजीएल जो भी टारगेट है आपका, उसको आप अचीव करने में लगो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ों पे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, यानी कि यहाँ पे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, इसमें आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये वैकेंसी कब रिलीज हुई है, 21/9/2023 को ये वैकेंसी जब रिलीज़ हुई है इसका नोटिफिकेशन आया। उसके अलावा आप ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो फॉर्म है वो आप कब से भर सकते हैं, 30/9/2023 से लेकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है इसकी लास्ट डेट जो है वो 20/10/2023, यानी कि 20 तारीख जो है वो इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्रूशियल डेट क्या है, तो क्रूशियल जो डेट यहाँ पे रखी गई है, जो इसकी लास्ट डेट है वही इसकी क्रूशियल डेट है, यानी कि जो आपकी एज लिमिट के क्राइटेरिया है वो इससे पहले पूरे हो जाने चाहिए। 20/10/2023 आपकी क्रूशियल डेट रखी गई है। यहाँ पर कई पोस्ट हैं, ढेर सारी पोस्ट हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग पोस्ट में एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है। कुछ दो पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, वैकेंसी जरूर यहाँ पे कम है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वैकेंसी कम है तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे कम वैकेंसी होती है स्टूडेंट वहाँ पे बहुत कम अप्लाई करते हैं और वहाँ पे ही सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी वैकेंसी में आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। और अगर आप सीएचएसएल सीजीएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इजीली एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीएचएसएल सीजीएल की जो बच्चा प्रिपरेशन करा उसका लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो कौन सी पोस्ट आपके काम की है, बाकी जो पोस्ट हैं इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। पहली जो वैकेंसी आपके काम की है वो है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। तो जो बच्चे स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट है और इसका जो लेवल है वो क्या है, लेवल 4 की जॉब है। और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 7 है। अब एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 एज वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जस्ट आप 10+2, यानी कि आप इंटर पास होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका यहाँ पे सिंगल एक एग्ज़ाम होगा और जो स्टेनोग्राफी, जैसे आप स्टेनो का टेस्ट देते हैं वैसे यहाँ पर भी आपको स्टेनो का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। दूसरी जो पोस्ट है आपके लिए वो है, आप देख सकते हैं, ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी वो कितनी है, 24। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा। 18 से 27 एज वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 अगर मिनिमम है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि सीएचएसएल में काफ़ी कम वैकेंसी है, सीजीएल में भी इस बार काफ़ी कम वैकेंसी, तो ऐसी जो वैकेंसी है इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की, ताकि जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ऐसी जॉब के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और यहाँ पर भी आपको फॉर्म डालना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंगल आपका एग्ज़ाम होगा, उसके अलावा क्या है, नॉर्मली आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो आपके काम की जो वैकेंसी वो कितनी वैकेंसी, एक ये जूनियर असिस्टेंट की जो 24 वैकेंसी हैं ये, उसके अलावा स्टेनोग्राफर की 7 वैकेंसी, यानी कि 24 7 31 जो वैकेंसी हैं वो आपके काम की है, ठीक है। अगर आप मतलब कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी वो देख सकते हैं। अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की जो 24 वैकेंसी हैं इसमें यूआर की 13 वैकेंसी, ओबीसी की 5 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी, एसटी की 3 वैकेंसी है और आपकी ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी। स्टेनोग्राफर
फोटोग्राफर में टोटल 7 वैकेंसी हैं, यूआर की 4 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, एससी की वैकेंसी नहीं है, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 1 है, ठीक है। अगर हम बात करें एज लिमिट, तो इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, 18 से 27 साल चाहिए, और जो आपका यहाँ पे इन्होंने क्रूशियल डेट दिया है, इससे पहले आपकी जो एज का क्राइटेरिया चाहे मिनिमम का हो या मैक्सिमम का हो वो आपका पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ और काम की बातें कर लेते हैं। यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, जैसे एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके अलावा ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनको 3 साल का। तो पूरा ये चार्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये काम की बात हो गई आपकी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए भी 10+2 आप नॉर्मली होने चाहिए, और जूनियर असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है उसके लिए भी आप 10+2 जो है वो नॉर्मली होने चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, आप देख सकते हैं बिल्कुल CHSL, CGL, CPO जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये जॉब है, और यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का, ठीक है। ऐसे ही आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का। ऐसे ही मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 200 क्वेश्चन होंगे, और एक जो क्वेश्चन है वो आपका एक नंबर का यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा। जो निगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1-4 की होगी, जो निगेटिव मार्किंग है वो 1-4 की। अगर अब बात करें कि यहाँ पे आपको टाइम कितना मिलेगा ये 200 क्वेश्चन करने के लिए, तो इस लाइन में दिया हुआ स्टेज वन के बारे में कि 200 नंबर का पेपर है और यहाँ पे 200 क्वेश्चन आएंगे और पेपर जो है वो 200 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का है। निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1-4 की, और टाइम जो मिलेगा वो आपको 180 मिनट मिलेगा। तो आप खुद समझ सकते हो 180 मिनट का मतलब 3 घंटे आपको मिलेंगे 200 क्वेश्चन करने के लिए। तो एसएससी की जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, आप बहुत आराम से सारे सवालों को यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, ठीक है। तो पूरा जो नोटिफिकेशन है अगर आपको उसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है इसकी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो एसएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वैकेंसी में आपको फॉर्म जरूर डालना चाहिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी में सिलेक्शन आप इजीली ले पाएंगे रेदर देन CHSL, CGL, क्योंकि आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो ऐसी जो जॉब हैं इनके बारे में इसीलिए मैं आपको अपडेट देना स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इन पोस्ट में आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना है। अप्लाई करने की जो डेट है वो 30/9/2023 से लेकर के 20 अक्टूबर तक आप जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।